सुपर पावर पर काली परछाई का संपूर्ण विश्लेषण। अमेरिका के 12 शहरों में अफरा तफरी है। अमेरिका प्रशासन क्यों अलर्ट मोड पर है? क्यों अमेरिका को एक खास पल का इंतजार है? क्यों अमेरिका में पहले ही होटल बुक होने लगे हैं? क्यों अमेरिका में महीनों भर पहले से लोग फ्लाइट का टिकट बुक करा चुके हैं? आखिर अमेरिका में क्या होने वाला है? अमेरिका में क्यों उत्साह भी है, डर भी है? अमेरिका में क्यों होटल फुल हो गए हैं? अमेरिका में क्यों फ्लाइट के टिकट महंगे हो गए हैं? तो इसके पीछे की वजह है 4 मिनट का अंधेरा। अमेरिका में 4 मिनट के लिए अंधेरा हो जाएगा, मैक्सिको में भी 4 मिनट दिन में कुछ दिखाई नहीं देगा, 4 मिनट के लिए कनाडा में भी सूरज गुम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर अमेरिका के लोगों में उत्साह है। लोग बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उस पल का गवाह बनना चाहते हैं जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, जब सूर्य की लालिमा को काली परछाई ढक देगी, दिन में ही रात का अंदेशा होने लगेगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका के करीब 12 राज्यों में सूर्य ग्रहण लगेगा। ये राज्य हैं: सैन एंटोनिया, डलास, लिटिल रॉक, इंडियानोपोलिस, क्लीवलैंड, बफेलो, बर्लिंगटन। ये वो इलाके हैं जो सीधे पाथ ऑफ टोटेलिटी वाले रूट में ही पड़ेंगे। पाथ ऑफ टोटेलिटी वो इलाका है जहां सूर्य ग्रहण बिना किसी उपकरण के दिखेगा। इसी वजह से इन इलाकों में लोगों की पहले से ही भीड़ जमा हो रही है। बताया जा रहा है कि पाथ ऑफ टोटेलिटी में पड़ने वाले इलाकों में 4,40,00,000 लोग घटना के साक्षी बनेंगे। सोचिए कि लोग उस पल का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में सूर्य ग्रहण के रास्तों पर इस नजारे को देखने के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। नियाग्रा फॉल प्रशासन ने तो सूर्य ग्रहण देखने आए लोगों को सुविधा देने के लिए आपातकाल का ऐलान कर दिया है। सूर्य ग्रहण के दौरान काफी बदलाव भी देखे जाएंगे, जानवरों के व्यवहार में भी बदलाव होगा। कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, यानी उसकी छाया इस तरह से पड़ती है कि पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। अब अगर हम वातावरण की बात करें तो उसमें कई तरह के बदलाव आते हैं, यानी जानवरों की एक साइकिल होती है। जितने जीव होते हैं, दिन में जागना, रात को सोना, या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दिन में सोते हैं रात को जागते हैं, लेकिन ये एकदम से रात हो जाना ये परेशानी खड़ी कर देता है जीवों के लिए। एकदम से दिन में अंधेरा हो जाए तो फिर जानवर जो है वो उसको समझ नहीं पाते। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान अचानक अंधेरा छा जाने से झिंगुर और उल्लू को दिन में रात का भ्रम होने लगता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगते हैं। ये जानवर दिन में उजाला कम होते ही अचानक असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। वे ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं मानो अचानक रात हो गई हो। नासा के एक्लिप्स साउंडस्केप्स प्रोजेक्ट के जरिए ग्रहण के दौरान झिंगुरों के बदलाव को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान केवल जानवरों में ही बदलाव नहीं होता है, बल्कि कई तरह से बदलाव सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ 6 तरह के बदलाव दरअसल देखे जाएंगे। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर अजीबोगरीब छाया बनती है, मसलन कि पेड़ों के नीचे अर्धचंद्राकार छाया। नासा इन ग्रहण प्रेरित छाया वाली घटनाओं को सुरक्षित रूप में देखने के लिए पिनहोल प्रोजेक्टर का उपयोग करने का सुझाव देता है। सोचिए, जब दुनिया को ऊर्जा देने वाला सूरज अचानक गायब हो जाएगा तो क्या होगा?
सूरज की किरणें जब सुबह निकलती हैं, तो उसकी तपिश थोड़ी कम होती है, लेकिन दिन जैसे जैसे चढ़ता है सूरज की तपिश बढ़ने लगती है। गर्मी के मौसम में दोपहर के टाइम तो सूरज के ताप को बर्दाश्त करना भी मुमकिन नहीं होता है। बताया जा रहा है कि जब सूर्य ग्रहण होगा तो तापमान में भी गिरावट होगी। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो बताया जा रहा है कि अचानक तापमान में भी कमी आएगी। जानकार बताते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसे कुछ स्थानों पर 20 डिग्री से अधिक की कमी का अनुभव हो सकता है। सूर्य ग्रहण की वजह से केवल तापमान में ही कमी नहीं आएगी, बल्कि जिस वक्त सूर्य ग्रहण लगा होगा उस दौरान अचानक हवा भी चल सकती है। इसके अलावा हवा की गति और दिशा वाकई में बदल सकती है, क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान अचानक जमीन तेजी से ठंड हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है। और इस घटना का पता दरअसल 2016 में रीडिंग यूनिवर्सिटी की शोध टीम ने लगाया था। ऐसे कई बदलाव के बारे में विज्ञान दावा करता है, चाहे वो जानवरों का व्यवहार में बदलाव की बात हो या फिर पेड़ पौधे, दोनों की सर्केडियन रिदम को बाधित कर सकता है। भले ही अस्थायी रूप से, अधिकांश जीव ग्रहण के बाद जल्दी ही अपने सामान्य चक्र में वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐसे कई तरह के बदलाव 4 मिनट के सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देंगे, जिस पर नासा की नजर रहेगी। पूर्ण सूर्य ग्रहण कितना दुर्लभ है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस शताब्दी में तीनों देश यानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों को मिलाकर पहली बार पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। यही वजह है कि सूर्य ग्रहण पर नासा की पैनी नजर है। नासा ने सूर्य ग्रहण के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर भी कुछ निर्देश दिए हैं। दरअसल सूर्य ग्रहण के दौरान मोबाइल के कैमरे में लोग उस पल को कैद करने की कोशिश करेंगे, इसी को लेकर नासा ने कुछ जानकारियां भी लोगों के साथ साझा की हैं। नासा की ओर से बताया गया है कि अगर डायरेक्ट मोबाइल से सूर्य ग्रहण की तस्वीरों को कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी तो मोबाइल को भारी नुकसान हो सकता है, लिहाजा अगर आप मोबाइल के कैमरे में सूर्य ग्रहण को कैप्चर करना चाहते हैं तो नासा ने इसके लिए उपाय भी बताए हैं। नासा ने बताया है कि अगर मोबाइल से सूर्य ग्रहण की तस्वीर को कैद करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि जिस चश्मे का इस्तेमाल ग्रहण देखने के लिए किया जाता है उसके लेंस को मोबाइल के कैमरे के सामने लगा दें, जिससे परेशानी नहीं होगी। हालांकि नासा ने यह भी कहा कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब किसी भी फिल्टर की जरूरत नहीं होगी। समग्रता एक ऐसा समय होता है जब सूर्य को पूरी तरह से चंद्रमा ढक लेता है, तब कोई भी प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण देखने वालों को इस दौरान अंतरिक्ष में सूर्य का चमकदार कोरोना दिखता है। समग्रता कुछ मिनटों की होती है और इसे बिना खास चश्मे के देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आम लोग ही सूर्य ग्रहण की तस्वीरों को कैमरे में कैद करने को उतारू हैं, बल्कि नासा भी इस काम में जोर शोर से लगा है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के चारों ओर एक छल्ला दिखाई देगा और सूर्य के बेहद करीब तारे भी दिखाई देंगे। जाहिर है ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता है, लिहाजा इसका अध्ययन भी एक लक्ष्य है। सूर्य ग्रहण की तस्वीर को कैद करने के लिए नासा ने एक खास किस्म का प्लेन तैयार किया है। बताया जा रहा है कि नासा का हाई एल्टीट्यूड रिसर्च प्लेन 50,000 फीट की ऊंचाई से ग्रहण की तस्वीरें लेगा। जैसे जैसे ग्रहण मेक्सिको से आगे बढ़ेगा वैसे वैसे विमान भी आगे बढ़ता चला जाएगा और इन विमान में कई अन्य उपकरण भी लगाए गए होंगे। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान वायुमंडलीय और जलवायु परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए एक एक्लिप्स बैलून प्रोजेक्ट भी लागू किया जाएगा। करीब 600 गुब्बारे वायुमंडल में छोड़े जाएंगे। पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर ऊपर तक उड़ने में सक्षम इन गुब्बारों से विभिन्न उपकरण रिकॉर्ड बनाएंगे। अमेरिका में इस सूर्य ग्रहण को लेकर खास इंतजाम किया जा रहा है। किसी जगह पर बादल की वजह से खलल ना पड़े, इसके लिए नासा और प्रशासन की ओर से लाइव स्ट्रीमिंग के भी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे लोग सूर्य ग्रहण को देख सकें। नासा के मुताबिक अमेरिका में अगला सूर्य ग्रहण 2045 में लगेगा। इस बार का सूर्य ग्रहण 2017 के सूर्य ग्रहण से 60% ज्यादा चौड़ा और इतना ही लंबा होगा।
पाथ ऑफ टोटलिटी वो इलाका है जहां सूर्य ग्रहण बिना किसी उपकरण के दिखाई देगा। अमेरिका ही नहीं बल्कि कनाडा में भी लोग सूर्य ग्रहण को लेकर काफी उत्साहित हैं। कनाडा में नियाग्रा फॉल्स के पास सूर्य ग्रहण देखने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोगों के जमा होने की उम्मीद की जा रही है। अतीत में भी ग्रहणों के दौरान किए गए अध्ययनों से इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि 19 मई 1919 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आर्थर एडिंगटन द्वारा ली गई एक तस्वीर में हुई थी। आइंस्टाइन ने यह कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सीधी लकीर में रोशनी चलती है, रोशनी की किरणें चलती हैं, वो भी मुड़ जाती। ये एक बड़ी अद्भुत बात थी जो आइंस्टाइन ने साबित की अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। यानी सूर्य के करीब से गुजरने वाली किरणें, जो उसके पीछे तारे हैं या ग्रह हैं, वो हमें दिन में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो दिखाई देंगे। यानी उनसे आने वाली किरणें अगर सूर्य के करीब से गुजर रही हैं और वो मुड़ जाती हैं, तो ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबूत होगा। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि ही नहीं बल्कि हीलियम की खोज भी 1866 में सूर्य ग्रहण की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी। टीम न्यूज़ नेशन।